हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। और सुबह का समय है और हम लोग फूल लेने आए हैं, टहलने आते हैं, तो सोचा कि चल उधर से फूल भी ले लेते हैं। और ये हम लोग फूल ये ले रहे हैं माता रानी के। ये अपना कल्चर आईडी कर रहे हैं। और ये हमारा कलसा बनके तैयार हो चुका है। आइए पूजा करते हैं अब चल के। माता रानी सभी की मुरादें पूरी करें। जय माता दी। मैं व्रत का आलू पूड़ी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने पूड़ी के लिए आलू निकाला था। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब इसमें डालेंगे हमारा कुट्टू का आटा। ये हमारा आलू, इसमें कुट्टू का आटा मिक्स कर रहे हैं हम। इसमें बिल्कुल भी पैनिंग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आटा और आलू से हमने अपना ये आटे का तैयार किया हुआ है। बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनती हैं, बहुत ही कुरकुरी और मज़ेदार पूड़ियाँ बनती हैं। तेल गरम हो चुका है और ये देखिए मैंने इसमें हाथ से पूड़ियाँ बना के डाल दी। इसको बेलना नहीं, इसको अपने हाथों से बनाना। हल्का सा तेल लगा के हाथों बनाइए, बहुत आसानी से बन जाती है। अब मैं अपनी सब्जी फ्राई कर लेती हूँ। उसमें मैंने डाला है जीरा, ये डाला मैंने हरी मिर्च, ये हमारा जीरा और हरी मिर्च पक चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया टमाटर। इतना पानी छोड़ रहा है टमाटर। अगर मैं मूंगफली के दाने फ्राई करने पर ले रही हूँ, आलू के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए मेरे आलू फ्राई, मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी वो मेरी पूड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अगर मेरा टमाटर पक चुका था, अब इसमें मैंने आलू डाल दिया है। और ये मैंने कुछ मसाले पीसे थे, खड़ी धनिया, जीरा, नमक और मिर्च, इसको मैंने भूज के पीस लिया है। व्रत के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, व्रत में ज़रूर डालिए आप। ये देखिए आलू में मैंने ये मसाला अपना डाल दिया है। और ये मैंने बनाया है खीरे का रायता, इसमें मैंने सिर्फ खीरा घिस के डाला और नमक, बाकी कुछ नहीं। और ये मेरी ब्रेड की थाली तैयार हो चुकी है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।